फौजी बहू को मिला दिवाली पर धोखा। पनीर के पकौड़े, नमक पारे, समोसे, चाय, गुलाब जामुन सब बन गया। एक बार देखकर आती हूँ धारा तैयार हुई कि नहीं। जैसे ही जानकी कमरे में आती है तो आईने के आगे बैठी धारा पूछती है, माँ बताओ कैसी लग रही है आपकी बेटी? ये क्या धारा, तूने जरा भी मेकअप नहीं किया और मैंने तुझे फैंसी चूड़ी निकाल कर दी थी, फिर तूने ये तिरंगे रंग की चूड़ी क्यों पहनी? माँ आप तो जानती हैं मैं एक फौजी हूँ और एक फौजी के दिल के करीब भारत का तिरंगा ही होता है। मैं जानती हूँ धारा, तू एक देशभक्त है इसीलिए तेरा जुड़ाव देश की मिट्टी और तिरंगे से ज्यादा है, मगर आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। इतने में दशरथ जी का परिवार, बेटा अंकुश, चंचल और लीलावती धारा को देखने आते हैं। जानकी जी, आपके घर से रिश्ता जोड़कर हम तो भाग्य वाले हो गए, आखिरकार हमारे घर फौजी बहू आने वाली है। समदन जी, वैसे हम तो दहेज का एक रुपए भी लेना नहीं चाहते, मगर क्या है ना, शादी में रिश्तेदार, दुनिया, जमाना देखता है कि बहू के घर से कितना दहेज आया है। हाँ बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए लीलावती जी, धारा मेरी इकलौती बेटी है, मैं खुद भी अपनी बच्ची की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी। धारा की शादी अंकुश से पक्की हो जाती है और थोड़े दिन में शादी भी हो जाती है, मगर शादी की आड़ में धारा की सास ने एक बड़ा दांव खेला था जिसकी भनक ससुर दशरथ को नहीं थी। आओ मेरी फौजी बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है, कलश गिराकर अंदर आ जाओ। गृह प्रवेश करके धारा सास ससुर के पैर छूती है, तभी तीनों एक अलग कमरे में बातें करते हैं। वैसे मानना पड़ेगा आपको मम्मी, क्या चाल चली है आपने, भैया जैसे निकम्मे इंसान के लिए फौजी बहू ढूंढ कर लाई हैं। मगर माँ, आपने अपनी फौजी बहू के चक्कर में बलि का बकरा तो मुझे बना दिया। चुप कर नालायक कहीं का, खुद तो कमाता धमाता है नहीं, निकम्मों की तरह पड़े पड़े मुफ्त की रोटी तोड़ता है। वो तो तेरे पिताजी की पेंशन मिल रही है जिससे अभी तक घर की दाल रोटी चल रही थी, वरना भीख मांगते फिरते। मगर अब हम नोटों में खेलेंगे, अब तू कमरे में जा वरना कहीं बहू को शक ना हो जाए। अंकुश हिचकिचाता हुआ कमरे में आता है। आ गए आप, कितनी देर लगा दी। अंकुश 16 श्रृंगार में सजी धारा को एक टक देखते हुए उसे गले से लगा लेता है। धारा पत्नी व्रता धर्म निभाते हुए खुद को अंकुश को सौंप देती है। अगले दिन वह रसोई में खाना बनाकर अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा करती है और सबको खाना परोसती है। सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, तभी ससुर दशरथ कहते हैं, भाई वाह धारा बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। वाह भाई वाह, भाई बहू हो तो ऐसी रूप से लक्ष्मी जैसी, हाथों के स्वाद से अन्नपूर्णा जैसी और जंग के मैदान में दुश्मनों से लड़ती हुई योद्धा जैसी। इतने में धारा को फोन आ जाता है। ओके जनरल। माँ जी, बाऊ जी, बॉर्डर से मुझे फोन था, मुझे जाना होगा। इसी के साथ फौजी होने का फर्ज निभाते हुए धारा अपने सास ससुर का आशीर्वाद और पति के साथ बिताए हसीन लम्हों की छवि आंखों में लिए बॉर्डर पर चली जाती है। अब उस फौजी बहू की जिंदगी दो हिस्सों में बट जाती है, वह 3 से 6 महीने बॉर्डर पर रहती और 1-2 दिन के लिए ससुराल आती। वहीं लीलावती उसे हमेशा बस मतलब से ही घर खर्चा भेजने के लिए ही चिट्ठियां लिखकर डालती। और फिर एक दिन अंकुश शालिनी नाम की एक लड़की को शादी करके घर ले आता है, जिसे देखकर दशरथ कहते हैं, अंकुश तूने शादी कर ली? अरे तो क्या करता मेरा बेटा, तुम्हारी फौजी बहू इतने दिन बॉर्डर पर बैठी रहती है, वो तो मुझे पोते का मुँह दिखाने से रही। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना पाप है पाप, तुम सबने मिलकर मेरी लक्ष्मी जैसी बहू को धोखा दिया है। अपनी फौजी बहू के साथ हुई धोखाधड़ी दशरथ को अंदर ही अंदर खा जाती है और वह भगवान को प्यारे हो जाते हैं। वहीं धारा बॉर्डर पर रहकर भी पत्नी धर्म निभाते हुए करवा चौथ का व्रत रखती है। फौजी धारा, आज हमने आपकी वजह से इतनी बड़ी जंग जीती है, ये लीजिए मिठाई खाइए। नहीं करमवीर सर, आज मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। वाह फौजी धारा, यहाँ बॉर्डर पर रहकर भी आप एक फौजी होने के फर्ज के साथ अपनी पत्नी धर्म भी निभा रही हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। फिर वह फौजी बहू अपनी शादी का जोड़ा पहनकर 16 श्रृंगार करके अपने आंचल से चांद देखकर अपने पति की तस्वीर देखती है। हे चौथ माता, मैंने पूरी श्रद्धा भक्ति से ये करवा चौथ का व्रत रखा है, जानती हूँ मेरे पास करवा छन्नी कुछ भी नहीं,
मगर मेरे पति के लिए मेरा प्यार सच्चा है। बस मुझ फौजी बहू की विनती है कि हर जन्म में उन्हीं की सुहागन बनूं, मेरी भी उम्र उन्हीं को लगे। वक्त बीतता है और अब दिवाली भी आ जाती है। तभी फौजी धारा, सभी फौजियों को दिवाली की छुट्टी मिली है, आप भी अपने घर जा सकती हैं। बॉर्डर से छुट्टी मिलने पर उस फौजी बहू की आंखें भर आती हैं। थैंक यू सो मच सर, शादी के बाद ये मेरी पहली दिवाली है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये दिवाली मैं अपने ससुराल के घर आंगन में मनाऊंगी, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। खुशी आपकी आंखों से झलक रही है फौजी धारा। धारा अपने ससुराल वालों के लिए दिवाली के तोहफे खरीदती है। ये कुर्ता अंकुश पर बहुत अच्छा लगेगा, मैं आ रही हूँ अंकुश, बस कुछ लम्हों की दूरी और फिर हम दोनों साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। एक तरफ उस फौजी बहू का दिल दिवाली की खुशियों के ख्वाब बुन रही होती है, वहीं दूसरी तरफ, अंकुश आज शाम को दिवाली में मैं ये साड़ी पहनूं या ये? इसी के साथ अंकुश शालिनी के करीब आकर कहता है, कुछ भी पहन लो जाने मन, तुम पर तो सब अच्छा लगता है। दिवाली की शाम शालिनी सज धज कर घर के आंगन में रंगोली बनाती है, जहां अंकुश बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़कर रंगोली बनाता है। तभी हाथों में ढेर सारे तोहफे लिए खुशी से चहकते हुए वो अंदर आती है। देखो तुम्हारी धारा आ गई अंकुश। अपने पति को सौतन के साथ देखकर दिवाली के लिए फौजी बहू की आंखों में बंधी हर उम्मीद दम तोड़ देती है। वह गुस्से में शालिनी का हाथ छुड़ाने लगती है। दूर हटो मेरे पति से, किसने हक दिया तुम्हें? हाँ, मेरे पति के इतना करीब आने की सब पता है मुझे। तुम मेरे पति पर बुरी नजर डालकर मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो, मगर अंकुश मेरे पति हैं। अंकुश तुम्हारा पति था? पर अब वह मेरा पति है। ये सुनकर धारा को बड़ा धक्का लगता है और वो बहुत रोती है। माँ जी ये क्या कह रही है, कह दीजिए कि ये झूठ है। अरे मेरी फौजी बहू, मुझे तो लगा था कि अपनी सौतन से मिलकर तो बड़ी खुश होगी। मैंने सुना था कि फौजी बड़े ही दिलेर होते हैं, हर गम हंसकर सह जाते हैं। खैर ये ले मिठाई खा, आज दिवाली जो है। इसी के साथ लीलावती जबरन धारा का मुंह खोलकर बड़े अत्याचारी तरीके से उसके मुंह में मिठाई भर देती है। ले खा, अच्छे से खा, आज दिवाली है। बेचारी बहू फिर उठ खड़ी होती है और अपने पति के पास आकर भराई आंखों से उससे पूछती है, अंकुश तुम तो कुछ बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? ये चुप्पी मुझे खाए जा रही है। सच क्या है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, आज दिवाली है। तभी अंकुश गुस्से में धारा को झकझोरते हुए कहता है, सच सुनना है तुम्हें तो सुनो, शालिनी ही मेरी पत्नी है और इस घर की बहू भी। इतना बड़ा धोखा क्यों अंकुश? मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी? तन मन धन सब तो दिया मैंने तुम्हें, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। कितना कुछ सोच कर लौटी थी मैं कि तुम्हारे साथ दिवाली मनाऊंगी, मगर कहां पता था कि मेरा पति मेरी सास सब मिलकर दिवाली के दिन मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे। इतने में पड़ोसन तुलसी आ जाती है। उठो बेटी, चुप हो जाओ। अरे इन जैसे धोखेबाज लालची लोगों के लिए क्यों आंसू बहा रही हो? इन्होंने तो तुमसे शादी ही इसलिए की थी कि तुम्हारे पैसों पर सारी जिंदगी ऐश में रहें। तुम जैसे पापियों को दिवाली जैसा पवित्र त्योहार मनाने का कोई हक नहीं। अपनी लक्ष्मी जैसी बहू के साथ दिवाली जैसे दिन पर इतना बड़ा धोखा दिया है। धारा एक फौजी थी, उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था बल्कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीखा था। उसने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। तुम सबने मुझे जो धोखा दिया है इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, मैं तुम सबको कोर्ट तक घसीटूंगी। धारा ससुराल वालों के खिलाफ धोखाधड़ी की FIR लिखवाती और सबको कई सालों की सजा काटनी पड़ती है, जिसके बाद शालिनी भी उन्हें छोड़कर चली जाती है और धारा अपनी बाकी की जिंदगी फौज में रहकर देश की सेवा में बिता देती है। मगर हर साल दिवाली का त्योहार उसे अपने पति से मिले धोखे की याद दिलाता है, उसके दिल में भरे गम को फिर से हरा कर देती। इंसान के शरीर पर लगे घाव एक वक्त बाद भर जाते हैं, मगर मन पर लगे घाव जिंदगी भर के लिए रह जाते हैं। रोमा रसोई में आती है, जहां रागिनी बर्तन मांज रही होती है। तभी रोमा गुस्से में उसे सुनाने लगती है, मेरे भगवान की कसम, क्यों री काली कलूटी बैंगन लूटी काम चोर, तू पिछले एक घंटे से अभी तक बर्तन घिस रही है, तब से तुझे चार बर्तन नहीं मांजे गए,
तेरे पिता के दफ्तर जाने का समय भी हो गया, कब करेगी उनका टिफिन तैयार? वो माँ, सारे के सारे बर्तन गंदे हो गए थे इसीलिए थोड़ा ज्यादा समय लग गया, मगर मैं जल्दी जल्दी सब कर लूंगी माँ। जल्दी जल्दी के चक्कर में रोटियां भी अपने जले हुए उपले जैसे चेहरे की तरह मत बना दियो। अगर एक भी रोटी कहीं से भी कच्ची पक्की छूटी ना तो तेरी खाल खींच लूंगी। ये बोलकर रोमा रसोई से चली जाती है और रागिनी फूट फूट कर रोती है। काश माँ कभी तो आप मुझे बेटी कहती। मैं जानती हूँ मेरे काले रंग के कारण आप मुझे मुझसे खींची खींची रहती है, मगर मैं हूं तो आपकी बेटी। रागिनी के साथ उसकी माँ रोमा का ऐसा बर्ताव बचपन से ही था। रोमा ने दो बेटियों चंचल और रागिनी को जन्म दिया था। रागिनी का रंग काला होने के चलते रोमा दिन रात उसे ताने देती है, वहीं चंचल गोरी और सुंदर है इसलिए रोमा उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। इसलिए चंचल में भी अपने गोरे और सुंदर होने का घमंड भरा है। एक काम करती हूँ, जल्दी से सब्जी काट कर चढ़ा देती हूँ, जितने में सब्जी बनेगी उतनी देर में आटा गूंथ कर गर्मा गर्म रोटियां भी सेक लूंगी। थोड़ी देर में रागिनी अपने पिता को खाना परोसती है। भाई वाह, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है, आज मेरी रागिनी बिटिया ने क्या बनाया है? बाबूजी, आज मैंने दम आलू और सूखी अरबी की सब्जी बनाई है, ये लीजिए गर्मा गर्म रोटी। इतने में मोहन को फोन आता है। प्रणाम पिताजी, क्या आप दोनों कल यहाँ आ रहे हैं? ये तो खुशी की बात है। क्या सच में बाबूजी, दादी माँ और दादाजी आ रहे हैं हमारे पास? ये सुनकर रोमा और चंचल का मुंह सड़ जाता है। अगले दिन तड़के सुबह 5 बजे मोहन के माता पिता आलोक नाथ और कौशल्या आ जाते हैं। माँ पिताजी, आप दोनों को सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? आइए बैठिए। चंचल जा बेटी, दादी माँ और दादाजी के लिए चाय तो बना और साथ में गर्मा गर्म रोटी भी बना देना। अपनी गोरी बेटी को रोटी बनाने से बचाने के लिए रोमा मोहन को टोकती है। मोहन जी, चाय के साथ तो ब्रेड या फिर टोस्ट खाते हैं, रोटी कौन खाता है? भाग्यवान पिताजी गांव के हैं इसलिए उनका खान पान देसी है, वो चाय के साथ रोटी ही खाते हैं। चंचल तू अब तक यहीं खड़ी है? इस पर कामचोर चंचल बहाना मारती हुई कहती है, पिताजी मुझे कहाँ रोटी बनाने आती है, सबसे अच्छी रोटी तो रागिनी बनाती है। चंचल बेटी तू जाकर बिरयानी बना दे, वैसे भी मेरी बच्ची को रोटी बनाने नहीं आती, इसका हाथ जल गया तो मेरी सुंदर गोरी बेटी के शरीर पर निशान पड़ जाएगा। ये सुनकर रागिनी भराई आंखों से कहती है, मगर माँ रोटी बनाते वक्त हाथ मेरा भी तो जल सकता है। अरे तो तू कौन सी हूर की परी है, तेरे कोयले जैसा हाथ पैर जल भी गया तो दाग थोड़ी दिखाई देगा। दोनों बहनें किचन में आती हैं। देखा मेरी कल्लो बहन, मैं माँ की परी हूँ परी, मेरे पैरों की धूल में भी नहीं लगेगी, मैं इतनी सुंदर जो हूँ। हाँ, मैं तो घूमते फिरते बिरयानी बना दूंगी, मगर मुझे तुझ बेचारी के लिए बड़ा ही बुरा लग रहा है, तुझे इतनी सारी रोटियां जो बेलनी पड़ेंगी। रागिनी अपनी माँ के फर्क भरे बातों को सोचते हुए सब्जी काटने लगती है, तभी उसका हाथ कट जाता है। आह माँ, मेरा हाथ, हे भगवान, मेरा हाथ तो इतना ज्यादा कट गया है, अब मैं रोटी बनाने के लिए आटा कैसे गूंथूंगी? चंचल क्या तुम बस आज के लिए आटा गूंथ दोगी? मैं और आटा गूंथूं? रागिनी मेरे दिमाग थोड़ी खराब हुआ, अगर मेरे नाखून टूट गए तो वैसे भी ये रोटी बनाना तुझ काली कलूटी का काम है, मेरा नहीं, समझी? हाँ। बेचारी रागिनी एक हाथ से ही आटा गूंथती है। इतने में कौशल्या रसोई में आती है। रागिनी बिटिया, मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं दादी माँ, मैं कर लूंगी। वैसे बेटी तेरे दादाजी 8-10 रोटी खाते हैं और मेरे लिए 4 या 6 बना देना। मुझे याद है दादी माँ। बाप रे, इस बुढ़ापे में भी इन बुढ़े बुढ़िया की खुराक कितनी ज्यादा है, एक बार में 10 रोटी कौन खाता है? रागिनी खुशी से अपने परिवार के लिए रोटी बनाने लगती है, मगर रोटी के भाप से उसके हाथ में लगे घाव पर बहुत ही जलन मचती है, जिससे उस बेचारी की आंखों में दर्द के मारे आंसू भर आते हैं। वहीं चंचल बड़ी बेफिक्री से कभी कमरे में तो कभी किचन में इधर उधर घूमती हुई कुकर में सीटी लगाकर जला पका चावल बनाकर उसे बिरयानी का नाम देती है। थोड़ी देर में दोनों बनाया खाना परोसती हैं, जहां आलोकनाथ रागिनी के हाथों की रोटी खाकर तारीफ करते हैं। भाई वाह, मेरी बड़ी पोती के हाथों की रोटी का तो जवाब ही नहीं, कितनी पतली पतली रोटी बनाई है, इंसान भूख से बढ़कर खा जाए।
हाँ जी, हमारी रागिनी जिसके भी घर जाएगी ना, उसका घर खुशियों से भर देगी। अपनी काली बेटी की तारीफ सुनकर रोमा बुरी तरह से चढ़ जाती है और अपनी गोरी बेटी की तारीफ करती है। अरे सासू माँ ससुर जी, क्या आप भी झूठ मूठ में इस कल्लो की रोटी की तारीफ कर रहे हैं? ये खाकर देखिए, मेरी बेटी चंचल ने क्या बढ़िया बिरयानी बनाई, एकदम खिले खिले स्वाद है, खाकर देखिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे रहने दे रोमा बहू, इतनी भी फेकलोची मत कर, और ऐसे थोड़ी बनती है बिरयानी, ये तो दिखने में ही चूल्हे की जली राख जैसी है, जला दिया है बिरयानी। अपनी कमी सुनकर चंचल पूरी तरह से चढ़ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, रागिनी की बनाई रोटी सभी को इतनी भाती है कि सभी भूख से बढ़कर खाते हैं। बेचारी रागिनी रोज भरी गर्मी में भी 2 किलो 2.5 किलो आटे की रोटी बनाती, और जब भी बारी चंचल की होती तो वह कुकर में सीटी लगाकर चावल उबाल कर रख देती। फिर एक दिन, माँ कल से मेरे कॉलेज के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, घर के कामों में लगकर मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, तो आप कुछ दिनों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी चंचल को दे दीजिए। तेरे रहते मेरी गोरी बेटी क्यों रोटी बनाएगी, और वैसे भी पढ़ लिख कर तू कौन सा अफसर बन जाएगी, कल को ससुराल जाएगी तो वहां भी बेलनी तो तुझे रोटी ही है। मगर माँ मेरी काली बहन ससुराल तो तब जाएगी ना जब कोई इस काली जामुन से शादी करेगा। चंचल तुम हर बार मेरे काले रंग का मजाक क्यों उड़ाती हो, और माँ आप भी कैसी माँ है। मैं भी इंसान हूँ माँ, मेरा भी दिल दुखता है। देख रही हो माँ, ये काली कलूटी आपसे कैसे जुबान लड़ा रही है। पिताजी, दादी माँ, दादाजी ने इसकी रोटी की तारीफ क्या कर दी, इसके तो पर निकल आए हैं। मुझे पर काटने भी तो आते हैं। चंचल सुन, मेरी काली बेटी, तू आज से चूल्हे पर रोटी बनाएगी, यही तेरी सजा है। बेचारी रागिनी कड़ी धूप में छत पर बने मिट्टी के चूल्हे पर थाक भर रोटियां बनाती है, जिसे हवा के चलते बार बार चूल्हा बुझ जाता है, और वह धुआं झेल कर चूल्हा फूंक कर बार बार जलाती और रोटी बनाती है। रोमा बहू, ये तू बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है, रागिनी तेरी बेटी है, उसकी हालत तो देख। सासू माँ, आप तो बीच में मत बोलिए, आप दोनों ने मेरा घर बिगाड़ कर रख दिया, जब से आए हैं मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। ये सब सुनकर कौशल्या और आलोकनाथ गांव लौट जाते हैं। समय बीतता है, रोमा एक दिन अचानक से बेहोश हो जाती है, और डॉक्टर जांच में बताते हैं, देखिए इनको ब्लड शुगर है, अब इनको चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है, सिर्फ हरी सब्जियां और खास करके रोटी ही खिलाना है, चावल इनकी सेहत के लिए जहर है। उस दिन से रागिनी अपनी माँ का दुगना ख्याल रखती है, उसे जब भी भूख लगती वह उसके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाती है। मगर एक दिन रागिनी कॉलेज चली जाती है, तभी रोमा कहती है, चंचल बेटी जरा मेरे लिए 2 रोटी बना दे, मुझे दवाई खानी है। माँ ये रोटी वोटी मुझसे नहीं बनेगी, तुम खुद बना लो, ये अब मैंने कल रात बिरयानी बनाई थी, फ्रिज में रखी हुई है, वो ला देती हूँ। रहने दे बेटी। रोमा खुद से ही रसोई में जाकर रोटी बनाने लगती है, तभी उसका हाथ जल जाता है। इतने में रागिनी भागकर वहां आती है, माँ आप खुद क्यों रोटी बना रही थी, जल गया ना हाथ, मैं रोटी बनाकर लाती हूँ। रागिनी अपनी माँ के हाथ पर पट्टी करके रोटी बनाकर अपने हाथों से उसे खिलाती है, खाइए ना माँ। तभी मोहन आकर कहता है, देख लिया भगवान, जिस गोरी बेटी को तुम अपनी पलकों पर बिठा कर रखती थी, वो आज तुम्हारे लिए 2 रोटी भी नहीं बना सकी, और जिसे तुम काली कहकर कोसती रही, तुम्हारी दवाई से लेकर भूख का ख्याल रागिनी ने रखा। इसी के साथ रोमा की आंखों में पछतावे के आंसू भर जाते हैं। मुझे माफ कर दे रागिनी बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ रंग के चलते फर्क करती रही, तुझे दुत्कारती रही, मगर तू खरा सोना है मेरी बच्ची। ये सुनकर रागिनी अपनी माँ के गले लग जाती है। मैं जानती थी माँ, एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर अपनाओगी, आज मैं बहुत खुश हूँ। रागिनी अपने प्यार से अपनी माँ का दिल जीत लेती है। समय के साथ चंचल का घमंड भी टूट जाता है, और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।